अगर किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो इसमें संख्या वो लगातार बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक बालाजी की कृपा से किसी भी व्यक्ति का ओवर टेम्परेचर यहाँ पर नहीं है। ये मेला ग्राउंड पार करने के बाद जो प्रवेश द्वार है श्री बालाजी मंदिर, वो लगभग हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, में विश्वविख्यात सालासर बालाजी है उसका दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज लंबे समय कोरोना काल के बाद जो मंदिर है वो यहां पर खुला है आम सरदारों के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ पाबंदियाँ हैं वो सारी हम आपको बताएंगे। और जिस प्रकार से यदि नज़र डालते हैं तो हमेशा की यदि बात करें तो उसकी तुलना में काफ़ी जो भक्त है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे बहुत सी संख्या में। और प्रशासन है उसने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार बहुत सी जो पाबंदियाँ वो भी यहाँ पर रखी गई है। कितने बजे तक मंदिर खुला रहेगा वो हर चीज़ हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो जो हमेशा की तुलना में जो दुकानें हैं वो भी आज काफ़ी संख्या में खुली हुई है, और किस तरह से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं वो हम प्रत्येक चीज़ आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। और मंदिर प्रबंधक कमेटी है उसकी तरफ से क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो हर चीज़ हम आपको लगातार विश्लेषण करवाते हैं। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अभी जब मैं ये कार्यक्रम कवरेज करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ उस समय सालासर बालाजी का जो मुख्य द्वार है वो बंद है, उसके बाद 2 नंबर गेट है वो भी आज की तारीख में 1 जुलाई को बंद है, और आज पहला ही दिन है। और यहाँ पर यदि विश्लेषण करते हैं तो जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार आपके पास कोविड का या तो फर्स्ट डोज लगाया होना चाहिए या आपके पास RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो। और यहाँ पर जो सालासर मंदिर प्रबंधक कमेटी का जो स्टाफ है, मेडिकल टीम है, वो प्रत्येक चीज़ यहाँ पर चेक कर रही है। देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर सिक्योरिटी है वो चेक की जा रही है। उसके बाद अगले का नाम है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, और उसके बाद अगले के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहे हैं। पूरा मेडिकल स्टाफ सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगी हुई है, हर चीज़ है वो बड़ी बारीकी से बड़ी क्लोजली से यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि जो कोविड गाइडलाइन की जिस प्रकार से कल सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, चूरू जिला कलेक्टर ने जो गाइडलाइन जारी की है, चूरू SP ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार यहाँ पर पूरा जो मंदिर प्रबंधन कमेटी है वो यहाँ पर लगी हुई है। हर उस व्यक्ति को चेक किया जा रहा है जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है। हमारे साथ मेडिकल डिपार्टमेंट से सुमित कुमार जी शर्मा जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर क्या फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही है? यहाँ पे पेशेंट का कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या फिर उसकी RT-PCR नेगेटिव जांच चेक की जा रही है, जो 72 घंटे से पुरानी नहीं है। और उसके बाद आगे जाने के लिए किस प्रकार से प्रक्रिया है? यहाँ से उनके फॉर्मल डाटा एंट्री किए जाते हैं, मोबाइल नंबर कहाँ से वो आए हैं, उनका नाम वगैरह वो सब एंट्री किए जाते हैं, और डिस्टेंस रखी जा रही है, उनके मास्क वगैरह उनका ध्यान रखा जा रहा है। आज सुबह के बाद में लगभग कितने यात्री वो दर्शन के लिए अब तक आ चुके हैं अनुमानित आंकड़े के अनुसार? कितने हुए हैं? लगभग 300 के आसपास हुए होंगे, 300-400 के आसपास हुए हैं। तो सुमित जी, ये ड्यूटी है वो लगातार जब तक मंदिर का खुलने का समय लगभग कितने? 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहता है, हनुमान सेवा समिति के कार्मिक। बिल्कुल, सुमित जी ने बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। और विशेष रूप से सर लगातार है या रविवार को क्लोज है? रविवार को क्लोज है, सप्ताह में 6 दिन खुले हैं अभी तक। यानी रविवार को छोड़ दिया जाए तो उसके अनुसार सप्ताह में 6 दिन ये मंदिर है वो यहाँ पर खुला रहेगा। और कुछ यात्री उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ लखवीर सिंह जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लखवीर सिंह जी, क्या फॉर्मेलिटीज यहाँ पर की जा रही है? जो भी अभी गाइडलाइन हुई है, अभी सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, और जो भी निर्देश आए हैं कलेक्टर साहब द्वारा या SP साहब द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका विस्तार रूप से पालन किया जा रहा है। उनका वैक्सीन का देखा जा रहा है, और साथ में उसकी कोविड की जाँच की रिपोर्ट भी देखी जा रही है, प्लस RT-PCR जो रिपोर्ट है 72 घंटे की वो भी देखी जा रही है। सब चीज़ें देख के उसके बाद में एंट्री की जा रही है, उसके बाद उसको एंटर किया जा रहा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का देखा जा रहा है, फिर आगे मंदिर प्रांगण में काफ़ी सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही उसको दर्शन करवाए जा रहे हैं। पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, और हम यही चाह रहे हैं कि पूरी गाइडलाइन का पालन हो। एक बात और बताएं, जिस प्रकार से सुखवीर सिंह जी आपने देखा है यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आप सैनिटाइजर करवा रहे हैं, अगले का टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है, वो लगभग कितने बजे से लगे कितने बजे तक चलेगी? जो मंदिर टाइम है उस टाइम में रहेगा, मंदिर टाइम पीरियड रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उस टाइम में रहेगा। उस टाइम में हम सैनिटाइजर भी करेंगे, उसकी एंट्री भी होगी, सब कुछ होगा। जो कार्य होगा वो कार्यपालन के हिसाब से होगा, उसके मंदिर बंद होने के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इन्होंने पूरी जानकारी वो दी है। यदि आप भी सालासर बालाजी का दर्शन करना चाहते हैं या सालासर बालाजी आना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको जरूर आप फॉलो करें। आपको सबसे पहले कि आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास एक डोज लगाया हुआ होना चाहिए, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, और विशेष रूप से रविवार को अभी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार रविवार को मंदिर है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा, 6 दिनों में खुला रहेगा, और समय जो मंदिर का है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक दिया गया है। तो आप इन चीज़ों का पालन करके जरूर आएँ। ये देखिए, जो मेला ग्राउंड है सालासर बालाजी को आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रत्येक हिस्से में यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो लगे हुए हैं, और उनके अलावा
ये सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो पद चिन्ह है वो भी बनाए गए हैं। हालांकि आज पहला दिन है इसलिए कोई भीड़ नहीं है, पूरा यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है। और जैसा बताया गया है हम लगभग जब पहुँचे तो 300 साढ़े 300 400 के आसपास यात्री है वो दर्शन कर चुके हैं और पूरी जो सरकारी गाइडलाइन है उसका हर तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है, क्योंकि आज पहला ही दिन है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है बाबा के प्रति, लोगों की जो आस्था है उसके अनुसार बहुत सी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर आएंगे। ये मेला ग्राउंड पार करने के बाद जो प्रवेश द्वार है श्री बालाजी मंदिर वो लगभग हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और आज भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि सुबह के बाद लगभग 300 साढ़े 300 जो भक्त है उन्होंने दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो सरकारी गाइडलाइन है वैसे लोग आते थे हमेशा तो उनकी चीज़ें अलग होती थी, अब केवल वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर प्रबंधक कमेटी का पूरा स्टाफ है, हनुमान सेवा समिति का पूरा स्टाफ है, उसके अलावा मेडिकल्स की जो सालासर की टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है, पुलिस प्रशासन है उनके जवान भी यहाँ पर प्रत्येक चीज़ है उसको मुस्तैदी कर रहे हैं। और आइए हम आपको लगातार यहाँ पर सालासर की प्रत्येक जो चीज़ है प्रत्येक जो झलकियाँ हैं वो दिखाते हैं। अब हम जहाँ पर खड़े हैं वो जो आपको LED सामने दिखाई दे रही है वो आप जैसे ही मंदिर में पहुँचते हैं तो आपका जो फेस है आपका जो टेम्परेचर कितने डिग्री है वो भी आपको दिखाएगा, उसके अलावा आपका जो चेहरा है कितने व्यक्ति यहाँ पर आए थे वो हर चीज़ यहाँ पर जो CCTV कैमरे के माध्यम से है। और विशेष रूप से इसको इसलिए कस्टडी में लगाया गया है कि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर यदि ज़्यादा जा रहा है तो उसको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यदि लगते हैं कि इसमें कुछ कोरोना के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसी को यहाँ पर ही रोका जाएगा। विशेष रूप से बहुत शानदार यह सावधानी के लिए बनाई गई है, प्रत्येक व्यक्ति उसका तापमान यहाँ पर आ जाएगा और कौन कौन व्यक्ति है इससे साफ पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर अंदर एंट्री। ये देखिए आपको जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है जैसे हम अंदर प्रवेश किया है, चाहे मुरारी की हो, चाहे हमारे गार्ड साहब की हो, चाहे नागरमल जी की हो, चाहे मैं खुद आया हूँ, हर चीज़ हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सभी की, जो जो व्यक्ति इसको पार कर रहे हैं उसकी बायोडाटा यहाँ पर उसकी फेस सहित पता चल रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आया था। और इस LED की सबसे बड़ी खासियत ये है कि देखिए यहाँ पर जो ओवर टेम्परेचर मतलब जिसकी आवश्यकता से ज़्यादा यदि कोई कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 00 है अभी। अगर किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो इसमें संख्या वो लगातार बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक बालाजी की कृपा से किसी भी व्यक्ति का ओवर टेम्परेचर यहाँ पर नहीं आया है। और यहाँ पर जैसे ही मंदिर खुला है तो साधु संतों का आशीर्वाद सदैव बालाजी के प्रति, लोगों की जो आस्था है बालाजी के प्रति, लोगों की जो विश्वास है, और परम श्रद्धेनाथ जी महाराज है वो यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँचे हुए हैं। हम लगातार विश्वविख्यात सालासर बालाजी उसकी दृश्य है वो दिखा रहे हैं। विश्वविख्यात सालासर बालाजी है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर किस प्रकार से दर्शन करने हैं वो सिस्टम हमने आपको सारा दिखाया है। हम बातचीत सर सबसे पहले आपका परिचय। कन्हैया मित्तल है मेरा नाम, चंडीगढ़ से हम लोग आए हैं। सर कितनी खुशी मिल रही है आपको यहाँ पर दर्शन करने के बाद? देखिए हम तो इंतज़ार में थे कि कब मंदिर खुले और हम कब पहुँचे, लगभग 1.5 महीने से मंदिर की प्रतीक्षा में थे, खुले फटाफट खुले और आज खुला है तो हम सब पहुंच गए हैं। मित्तल साहब मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे बालाजी के भजन भी गाते हैं। हाँ कोशिश करते हैं, बाकी बालाजी का आशीर्वाद है चलता रहता है। जिस प्रकार से आप, मैं एक बात बताएं, आपने जो दर्शन किए वो कौन कौन सी गाइडलाइन है उनको आपने पालन किया वो दर्शकों को बताएं ताकि जो आए उनको पता चले किस प्रकार से आपने यहाँ पर पहुँचे वो सारी प्रक्रिया बताएं। देखिए सबसे पहले आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर आपके पास वैक्सीनेशन होनी चाहिए जो कि अनिवार्य है। मास्क और सैनिटाइज़र अनिवार्य है, आप यहाँ ज़रूर उसका उपयोग करें। और अंदर दर्शनों की इतनी सुचारू व्यवस्था है कि आज तक सालासर में हमेशा व्यवस्था अच्छी रही है, लेकिन अब की बार की जो व्यवस्था है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मंदिर प्रशासन उसके लिए बहुत बधाई का पात्र है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई अंदर जाने में? और जिस प्रकार से मेडिकल की टीम लगी हुई उनसे किसी प्रकार की समस्या का सामना तो बिल्कुल नहीं करना पड़ा? देखिए किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था है ही नहीं कि जिसका नाम लिया जाए, बहुत अच्छी व्यवस्था है और खूब आनंद से दर्शन हो रहे हैं, बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं। आप सभी आइए, समय निकाल कर आइए, बालाजी का दरबार खुला है और मस्त होकर आइए और मस्त होकर जाइए। बिल्कुल मित्तल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप बालाजी के दर्शन करने के लिए आएँ, जरूर आएँ, लेकिन इन्होंने जो बातें बताई कि आप RT-PCR आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास एक डोज लगाई हुई यदि आपके पास है तो होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी बायोडाटा है वो एंट्री की जाएगी और उसके बाद आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मस्त रहें और बालाजी के दर्शन करें। और अव्यवस्था तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी दुनिया की जब व्यवस्था करने वाले बालाजी महाराज खुद यहाँ पर विराजते हैं तो अव्यवस्था तो मनुष्य के लिए क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपके सब्सक्राइबर्स का और सभी जितने भी श्रोतागण हैं, आप सबसे निवेदन आइए, अभी खाटू श्याम जी भी खुलने वाला है तो बालाजी के बाद हम खाटू श्याम जी की भी प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से जल्दी खुले। जय श्री बालाजी। हमारे साथ नागरमल जी पुजारी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पुजारी जी सबसे पहले जय श्री बालाजी क्या कहना चाहोगे मंदिर खुलने के बाद? बहुत ही खुशी की बात है कि 2 महीने के बाद बालाजी के दर्शनों के लिए पट खुले हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से और हनुमान सेवा समिति प्रबंध कमेटी की तरफ से जो यात्रियों के लिए सुविधा की हुई है यहाँ,
जो गाइडलाइन का पालन कराते हुए हमारे ये यात्रियों को प्रवेश दे रहे हैं, जैसे टीकाकरण का वो रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, PCR की रिपोर्ट भी वो देख रहे हैं, उसके बाद ही मंदिर में एंट्री दी जाती है। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जो भी बालाजी भक्त के दर्शनों के लिए आए हैं भक्तगण, वो अपनी रिपोर्ट साथ लेके आए हैं, मोबाइल पे अपडेट रखें, उसी के बाद ही दर्शनों के लिए एंट्री मिलेगी। और मैं द्वितवार के दिन पूर्णतया मंदिर बंद रहेंगे और बालाजी के दर्शन हेतु सवेरे 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो जिला प्रशासन का आदेश है उसी अनुसार ही दर्शन होंगे, और उसके बाद संपूर्णतया बंद रहेंगे 4 बजे बाद दर्शन, और द्वितवार को संपूर्णतया बंद रहेंगे। और बालाजी महाराज से मैं यही कामना करता हूँ कि सभी भक्तों की, सभी भक्तगणों की मनोकामना सिद्ध करें और बालाजी सबको स्वस्थ रखें और इस महामारी के दौरान सबको सुखी और सबको स्वस्थ रखें। जय श्री बालाजी। हम लगातार रहे सालासर बालाजी हैं, विश्वविख्यात हैं, हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा बालाजी महाराज का मंदिर, उनके दृश्य है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। पुजारी परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और आलोक जी पुजारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत। पुजारी जी, जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। आप हमें ये बताएं मंदिर में दर्शन करने का वर्तमान में क्या प्रोसेस है वो पूरी समझाएं। देखिए, बालाजी महाराज कृपा से आज मंदिर के पट खुले हैं और आने वाले भक्तों को सूचना देना चाहते हैं कि भाई जो बालाजी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज अनिवार्य है। यदि आपको बालाजी महाराज के दर्शन करने हैं तो आपको वैक्सीनेशन की पहली डोज तो अनिवार्य है। यदि आपके वो डोज नहीं लगी हुई है तो आप RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के लिए सिर्फ आप बालाजी महाराज का प्रसाद का जो छुटावा है वो अभी मंदिर में बंद है, तो आप सिर्फ बालाजी महाराज के हाथ जोड़ के मनोती मांगे, दर्शन करें, और वही सुचारू लाइनें चल रही है पहले जैसी। जिनके डोज है वैक्सीनेशन की या RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हीं भक्तों को दर्शन हो रहे हैं अभी। पुजारी जी, एक बात और बताएं, मंदिर का खुलने का समय कितने बजे से कितने बजे है? मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक है, और रविवार के दिन पूर्णतः रूप से मंदिर बंद रहेगा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आ रही है उसी के अनुसार मंदिर दर्शन हो रहे हैं। आलोक जी ने बताया कि आज की तारीख में इन्होंने जो विश्लेषण दिया है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मंदिर खुला रहेगा, रविवार को, अभी आज की डेट में रविवार को प्रत्येक दिन मंदिर बंद रहेगा। तो आपने जो मंदिर में यदि दर्शन करने हैं तो आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद यदि आपके पास पहला टीका लगाया हुआ है, यदि कोविड की आपके पास पहली डोज है तो ही आप मंदिर में आ सकते हैं। बाकी पूरा यहाँ पर मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं दर्शनों के लिए तो आपको प्रत्येक चीज़ है, प्रत्येक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो जो भी लोग यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो विशेष रूप से वो इन जो रूल है उनको ज़रूर फॉलो करें। प्रत्येक जगह है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और हर व्यक्ति का यहाँ पर हैंड है उसको सैनिटाइजर किया जा रहा है। उसके अलावा जो तापमान चेक करने की मशीन है वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है, और कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी शर्त में कोरोना से पॉजिटिव या इसी तरह की किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। सालासर बालाजी की जो धरा है वो संत श्रोमणी मोहनदास जी महाराज है, उसकी तपोस्थली है, उसी के कारण ये पूरी दुनिया में विश्व विख्यात सालासर बालाजी का मंदिर है वो जाना जाता है। और अब हम आपको जो संत श्रोमणी मोहनदास जी महाराज है उसकी समाधि स्थल है उसका दृश्य हम आपको लगातार दर्शन करवा रहे हैं। और यदि आप जीवन में कभी आपको मौका मिले और आप सालासर आते हैं तो मोहनदास जी महाराज की जो समाधि है उस पर आप दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे। अभी जो सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और बहुत शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार मंदिर प्रबंधक कमेटी है वो, हनुमान सेवा समिति है वो, सालासर पुलिस प्रशासन है वो, प्रत्येक चीज़ है वो लगातार अपनी जो सरकारी गाइडलाइन है उसी के अनुसार यहाँ पर दर्शन करने की सुविधा आप लोगों को मिलेगी। और मोहनदास जी महाराज हैं जिनको कहते हैं कि बालाजी ने सबसे पहले यहाँ पर दर्शन दिए थे, और उसी के कारण पूरी दुनिया में वो पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण सालासर मंदिर है वो लोगों को, भक्तों को दर्शन करने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन अब सरकारी गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपके पास जो रूल बताए गए हैं, जिस प्रकार से शुरू में हमने बताया, जिस प्रकार से आपने जो फॉर्मेलिटीज आप पूरी करते हैं तो आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर जरूर पहुँच सकते हैं। ये मोहनदास जी के समाधि स्थल पर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर जो पेंटिंग्स है वो भी यहाँ पर की हुई है। भक्त दया कानी दादी जी की यहाँ पर पेंटिंग मिलेगी, प्रथम पुजारी उदय राम जी है उनकी भी आपको यहाँ पर पेंटिंग्स मिलेगी। उसके अलावा पंडित ईश्वरदास जी है, यहाँ पर दो तरह के जैसे चलते हैं, ईश्वरदास जी है दूसरे उदय राम जी उनका। और यदि हम बात करते हैं लगातार तो हर चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है, और इसी क्रम में जो पंडित
कन्नी राम जी हैं, उनकी भी आपको यहाँ पर तस्वीर मिलेगी। उनकी वो बहुत सुंदर जो चित्रकारिता है वो यहाँ पर मिलेगी। और मोहनदास जी ने बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए क्या क्या किया था, किस प्रकार से उनके जीवन में उनके बदलाव हुआ था, वो हर चीज़ यहाँ पर आपको लगातार नज़र आ रही है। जो बालाजी मंदिर है उसका मंदिर खुलने के बाद का कवरेज आपको दिखा रहे हैं और दुकानों पर लोगों के साथ क्या असर पड़ा है उनका बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं हेमंत दादी जुड़े। हेमंत, कैसा लग रहा है मंदिर खुलने के बाद? जैसा अच्छा फील होता है वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारे अंदर एक खुशी आई है कि भाई मंदिर खुला है, यहाँ पे लोग आने की आशा है हमें, और जो कमाई होती है उनको बात नहीं अच्छा करते हैं हम। क्या लगता है मंदिर बंद होने का दुकान पर कितना असर पड़ा है? असर इतना है कि हम छोटे हैं वो देख चुके हैं कि कितनी दरिद्रता होती है, कितनी भूख मरी जाती है, वो उनको देख चुके हैं हम। पहले से ज़्यादा तो नहीं बेचोगे माल? नहीं नहीं, पहले से ज़्यादा तो है नहीं। नहीं वैसे नहीं, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, पहले बेचते थे उसी रेट में बेचोगे या ज़्यादा कम भी? वो तो उसी रेट में है, कम तो पैदा नहीं है सवाल, तो कम करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं है। तो ज़्यादा बढ़ाने का तो सवाल नहीं है मन में? नहीं, जो रेट वाजिब है ना वही, ज़्यादा नहीं भी है, एकदम वही रेट। बिल्कुल, पंकज ने बताया कि हमारी वाजिब जो रेट होगी वही रहेगी और दुकान वालों को निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई बालाजी ज़रूर करेंगे। हम लगातार सालासर बालाजी मंदिर है उसकी खुलने की जो कवरेज है वो दिखा रहे हैं और मंदिर को हमने दिखाई दिया कि किस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं, दुकान वालों को कितनी खुशी है उसकी बातचीत करने की। हमारे साथ भौर जी जुड़े हैं। भौर जी, कैसा लग रहा है मंदिर खुलने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा काम धंधा भी चालू हो गया है, मंदिर खुल गया, बहुत बढ़िया बात है। और जी, मंदिर बंद होने के दौरान कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पूरा दिक्कत था, बैंक की किस्तों का था, किरायों का तो चलो नहीं लगा था, लेकिन घर का और का सबके दिक्कत ही दिक्कत थी। सबसे बड़ी तो बैंक की दिक्कत थी, बैंक की EMI आती थी उनकी दिक्कत थी। 2-3 महीने हो गया, किस्त जमा नहीं हुई अभी तक। अब आज जो पहला दिन है, कितने क्या लगता है, किस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो संख्या है, किस प्रकार से भक्तों की भीड़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर? अब ठीक है, भक्त भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, थोड़े कम आ रहे थे, लेकिन अब ठीक है, आ रहे हैं, अब काम चल जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि पहले भक्तों की संख्या कम थी, लेकिन अब जो दिक्कतों का तो सामना कोरोना काल में, विशेष रूप से मैंने पहले भी कार्यक्रम दिखाया था, सालासर से प्रत्येक से अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोग है वो प्रभावित होते हैं और बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी वो समाप्त हो। हम लगातार विश्वविख्यात सालासर बालाजी है उसको दिखा रहे हैं और मंदिर में किस प्रकार दर्शन करते हैं वो चीज़ें हमने आपको दिखा दी है। दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितना उनको सुकून। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। आपको मंदिर खुलने के बाद कितना सुकून मिल रहा है, कितनी खुशी हो रही है? जी, जैसे कि देख सकते हैं यात्रियों में और दुकानदारों में, सब में खुशी की लहर दौड़ रखी है कि मंदिर वापस खुल चुका है। 73 डेज के बाद मंदिर खुला है, तो बहुत ही श्री बालाजी महाराज का सब पे आशीर्वाद रहे और ऐसे ही वापस खुशी आ लिया है। एक बात और बताएं, मंदिर बंद था उस समय आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से जो दुकानदार हैं उनको? जी देखिए, आर्थिक स्थिति तो सबकी थोड़ी डाउन हुई थी, जैसा कि देख सकते पूरे भारतवर्ष में ही हुआ था। बालाजी महाराज की कृपा से थोड़ा सब कुछ सही रहा, अब खुल चुका है, तो यही आशा करेंगे श्री बालाजी महाराज सब बढ़िया करेंगे। हमारे साथ हनुमान सेवा समिति के जो सीनियर मैनेजर हैं जीतमल जी शर्मा, उनसे बातचीत, हालांकि हमेशा हम स्टेटमेंट है वो यशोदानंद जी पुजारी का ही लेते हैं, लेकिन आज वो उपस्थित नहीं है और उन्होंने कहा है कि आप किसी से भी ले लीजिए। तो हमने कई पुजारी परिवार के लोगों से भी बातचीत की और मंदिर के दर्शन करने का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से। जीतू भाई जी, सबसे पहले आपको जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, इस कोरोना काल में सब दुकानें, पूरा गांव, सब अपने अपने घरों में थे, तो आज बालाजी महाराज की सबके ऊपर कृपा हुई है। कल ज़िले के प्रशासन अधिकारी कलेक्टर साहब यहां आए थे और उनके साथ में SP साहब, ADM साहब सब थे। उन्होंने यहां विजिट करके मंदिर को, जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोलने के निर्देश दिए हैं, उसमें जो भी भक्त लोग हैं उनके लिए एक तो RT-PCR की रिपोर्ट और दूसरी वैक्सीन के जो डोज लगे हुए हैं, इन दोनों में से एक चीज़ अनिवार्य कर दी है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक का रहेगा। जो भी भक्त लोग आएंगे इन शर्तों का पालन करके दर्शनों की व्यवस्था हमारे अध्यक्ष महोदय, मंदिर प्रबंधक कमेटी ने बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था कर रखी है। रविवार को ये मंदिर बंद रहेगा। जो भी भक्त लोग हैं, हम लोगों ने ये पूरी गाइडलाइन समस्त
जो भी जुड़े हुए हैं उन भक्तों को भेज दी गई है और सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि ये जो गाइडलाइन के अनुसार ही आप वैक्सीन का डोज या आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर के आएंगे तभी दर्शन होगा। मास्क लगाना अनिवार्य है और सैनिटाइज से हम लोग हाथ धुपाते हैं। मेडिकल टीम की ड्यूटी लग गई है और हमारे पुलिसकर्मी भी पूरी वाच कर रहे हैं। जय श्री बालाजी। आप सालासर बालाजी अभी को दृश्य लगातार दिखा रहे हैं और भी सालासर बालाजी में एक भांगीवाद का है मुरारी जी शर्मा जगह लगभग अटजुगल पान भंडार के नाम आपकी प्रतिष्ठान चलावे और भाई लगातार मारवाड़ी में लिखने के लिए जाने जाओ इलिए भाव मारवाड़ी में बातचीत करने की कोशिश करा थे तंका शब्द में की प्रकार खुशी जाए कर। देखो बालाजी महाराज को दरबार है वो आज खुले सरकार के निर्देश अनुसार जिसकी गाइडलाइन बताइए कि सुबह सवेरे 5 बजे ले शाम के 4 बजे तक बालाजी महाराज भक्तान दर्शन उसी और अत्ता दिन वो जो समय आए गुजरे है वो बहुत ही एक विषम परिस्थिति ही। तो बालाजी महाराज मेरी आई विनती है कि वो जो संकट का दौर दिए पिछले दिनों में आगे वो दौर नहीं आवे ताकि लोगों का जीवन है वो आराम सुचारू से चलते रहे। मुरारी जी लोगों ने प्रतिष्ठान में या लोगों ने व्यापार में कतो नुकसान को सामना करना पड़े जो आ तो विश्व स्तर की समस्या ही तो ऑब्वियसली बात है कि नुकसान तो हुई है लेकिन फिर भी आपने जब भारत का वासी है बहुत हिम्मत और साहस का ही इसी प्रकार की मजबूरियाँ संकट बहुत बार आई हैं बहुत बार आप झेलें लेकिन फिर भी आप एक साथ रहकर एक पूरे साहस के साथ रहें। लेकिन अब जो मार्केट मंदिर खुल गए मंदिर खुले बाद व्यापार हालांकि मंदिर खुलने पहले व्यापार पूरी तरह ठप हो चुके हो लोग बेरोजगार हो चुके हैं लेकिन अब मंदिर खुलने के बाद लोगों में आस जागी है तो उम्मीद है कि व्यापार में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी क्योंकि मंदिर खुलने बाद जगह 12 बजे का यात्रा सी बाकी वजह अपने रोजगार चाल सी और मंदिर की वजह अपने आस पास के 16 गाँव एरिया के गाँव लोगों ने रोजगार वंचित था अब लोगों ने रोजगार मिल सी अपने बहुत खुशी की बात है क्योंकि सब कुछ है क्योंकि आज शहरांग माने भीड़ भाड़ खूब हो रखी है सब कुछ खुला की क्यों लेकिन सालासर एक धार्मिक स्थान है और धार्मिक स्थान सालासर बालाजी महाराज के मंदिर के ऊपर डिपेंड है और बालाजी महाराज का मंदिर आज खुले हैं तो उम्मीद है कि रोजगार में भी काफ़ी वृद्धि होगी। बिल्कुल मुरारी जी हाँ जगह आपका विचार शेयर करे हैं और थे सालासर बालाजी का दर्शन करवाओ तो आपकी दुकान पर जरूर आ जाया करो क्योंकि आने फोटोड़ी खिंचाने को बड़ो शौक है और थे वो पक्का ही मिली जो बहुत शानदार आदमी है बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो कि अपनी चाहे वह कॉमेडी के क्षेत्र में है चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में है चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में है वह जरूर आवे और विशेष रूप आपकी दुकान पर एक पान में चुन्नू लगा स्थान जरूर देवे होगी। लेकिन जो राज्य सरकार ने सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं जो गाइडलाइन जारी किया है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड का जो एक डोज लगा हुआ किसी व्यक्ति के है वो ही दर्शन करेंगे या आरटीपीसीआर का जो नेगेटिव टेस्ट है वो लेके आए तब दर्शन होंगे उससे निश्चित रूप से थोड़ा भीड़ में अंतर देखने को मिलेगा। एक बात और बताएं पुजारी जी जिस प्रकार से आपने एक चीज़ जो गाइडलाइन जारी किए गए उसके अनुसार मोटा मोट क्या गाइडलाइन है यहाँ पर जारी की गई है? यही है जो भक्तों को जो एंट्री मिलेगी उसमें जिसके प्रथम डोज टीका या संपूर्ण टीकाकरण जिसका हो गया उसको एंट्री मिलेगी उसके अलावा जिसकी आरटीपीसीआर 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट है उसको दर्शन के लिए अंदर अनुमति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। ये था विश्वविख्यात सालासर बालाजी से दिखाया गया कार्यक्रम। आज 1 जुलाई का दिन है और 2021 को किस प्रकार से जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार मंदिर खुला है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप दर्शन करने के लिए आए तो जो इस वीडियो में जो चीज़ें दिखाई गई है उनका पालन करने के बाद ही यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और आखिरी में मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि यह कार्यक्रम कैसा था। आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को जरूर दबाएं। मैं था राजकुमार शर्मा आप सभी को जय श्री बालाजी की नमस्कार धन्यवाद।